इसकी जो डिज़ाइन किया गया सीबीआरडी बी आर व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट सीबीआरडी ने किया है और डबल मैनुफैक्चर डब, जो किया है हैवी व्हीकल फैक्ट्री ने किया है इसका नाम एम अर्जुन है इसमें तीन एक्सेप्ट होते हैं मोबिलिटी फायर पावर और प्रोडक्शन मोबिलिटी के आधार से देखा जाए तो चौदह सौ हॉवर फर्ज के एम इंजन है जो कि ऑन रोड सत्तर किलोमीटर पर आवर्स करॉस कंट्री पचास किलोमीटर आवर्स करता है और फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी आती होती है इसके अंदर एफ सिस्टम लगाया गया है 120 सौ mm बीस आर्मामेंट लगाया मैन गन लगाया गया जो कि दो प्रकार का अमनेशन फायर किया जाता है एपेसिपिडियस और हैस जो कि पाँच सौ एम मोटी चादर को भेज सकते हैं कि कॉपेबिलिटी रहती है उसके बाद प्रोटेक्शन लेवल इसमें देखा जाए कंचन आर्मर लगाया गया जबकि दूसरे टैंक के अम्नेशन के बनस्पत इसमें बचाव होता है और सबसे मेन है कि इसमें जो कंप्यूटराइज सिस्टम लगाया गया डे और नाइट दोनों समय फायर कर सकता है नाइट साइड में इसमें थर्मल इमेजिंग साइड लगाया गया है जितना डे में हिट करता है इसका फायर पावर डेमो आपने देखा है कि किस प्रकार से पहले राउंड के अंदर टारगेट को बर्बाद कर रहा है यह एमबीटी अर्जुन टैंक जिसको सीवीआरडी चेन्नई के द्वारा बनाया गया है जो आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है इस टैंक का टोटल वेट फिफ्टी टन है किसी भी टैंक की काबिलियत का अंदाजा लगाने के लिए तीन चीजों का अनुमान लगाया जाता है उसकी फायर पावर मोबिलिटी एंड प्रोटेक्शन एमबीटी अर्जुन टैंक अपने तीनों ही पैरामीटर्स के ऊपर इतना अव्वल है कि इसकी वजह से यह इंडिया का मुख्य युद्धक टैंक होने के साथ साथ वर्ल्ड के बेहतरीन टैंकों में से एक है इस टैंक की काबिलियत डेप्थ क्रॉसिंग के लिए 2.15 मीटर तक है जो कि दो टाइप से की जाती है 1.5 मीटर तक विदाउट प्रिपरेशन एंड 2.5 मीटर तक विद प्रिपरेशन साथ ही इस टैंक के अंदर 1400 सौ हार्स पावर का एक दमदार इंजन लगाया गया है और ऑटो ट्रांसमिशन का बंदोबस्त किया गया है ट्रांसमिशन का ऑटो होने की वजह से इसकी मोबिलिटी बहुत फास्ट हो जाती है दूसरा इस ड्राइवर को इसको ड्राइव करना डी एम टू सारथ मल्टी ट्रेन एम व्हीकल है जो कि हर ट्रेन में बहुत ही आसानी से काम करने में सक्षम है इसकी ऑन रोड स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर डेजर्ट में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से और पानी में साथ ही सात किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने में सक्षम है ये वाटर ऑप्स्टिकल्स डिच ऑप्टिकल्स और वर्टिकल ऑप्टिकल को आसानी से पार करने की क्षमता रखता है साथ ही युद्ध के मैदान में दुश्मन को बर्बाद करने के लिए इसमें मिज़ाइल कॉन्क्रोजम ए सेकेंड जनरेसर मिजाइल का बंदोबस्त है जो दुश्मन के टैंक टारगेट को चार किलोमीटर पे बर्बाद करने में सक्षम है साथ ही दुश्मन के सॉफ्ट स्किन टारगेट एरियल टारगेट को भी दो से चार किलोमीटर बर्बाद करने में सक्षम है